आज एक्चुअली हमारे बीच में दीपक उप, उपन अंकल हैं अंकल कैनेडा से आए हैं मेरे ख्याल से एंड आई थिंक आई एम नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर अंकल बताएंगे गुरुजी से शायद मिले भी हुए हैं सो so वो अपनी जर्नी अपनी ब्लेसिंग्स अपना शुक्राना शेयर करेंगे और हम सब उसका स्वाद लेंगे अंकल आइए प्लीज़ जय गुरु जी प्लीज़ जय गुरु जी गुरु जी को प्रणाम गुरु जी को गुरुपूर्व की बहुत बहुत बधाई और गुरु जी आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम सब आज यहाँ पे आपकी आ, ब्लेसिंग्स इंजॉय कर रहे हैं संगत को भी सादर प्रणाम मेरा नाम, नाम दीपक उपल है और ना. जैसे आप सबको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे अंकल और आंटी के नाम से ही हर उच्चारण कराया जाता है हर एक का नाम सो आई एम सॉरी इफ आई सेट माई नेम बट एक्चुअली वी आर अंकल एंड आंटी चाहे वो वन डे बॉर्न हो या वो नाइन्टी ईयर्स हो गुरुजी के दरबार में सबकी जर्नी जितने यहाँ बैठे हैं और जितनी संगत गुरुजी से जुड़ी हुई है ऑल ओवर अक्रॉस वर्ल्ड सबकी जर्नी बहुत डिफरेंट है सबकी जर्नी बहुत डिफाइन है बहुत सेपरेट है किसी की पहले किसी की बाद किसी की बीच में किसी की ऊपर किसी के नीचे तो ऐसे ही हमारी जर्नी महाराज ने फिजिकली फॉर्म में आई वुड से पता नहीं कितने जन्मों से कितने कर्म करते हुए आए थे तो महाराज ने बुला लिया तो फर्स्ट विज़िट हमारा गुरुजी के बड़े मंदिर में 31 दिसंबर 2010 में हुआ था और uh, मंदिर पहुंचने से पहले हमारी लाइफ वाज ऑलमोस्ट शैटर्ड तो आई uh, अपोलोजाइज मैं आपको संगत बीच में uh, संगत को थोड़ा सत्संग uh, थोड़ा काट रहा हूं बट आप जो भी मैं आपके साथ अपनी जर्नी जो महाराज की ब्लेसिंग्स हैं वो शेयर करूंगा आप विजुलाइज़ करना कि आप मेरे साथ हो तो आपको बहुत आनंद आएगा आप उस चीज़ को आप ब्लेसिंग्स को अपने अंदर ले पाओगे तो माई लाइफ वॉज आई मीन आर एंटायर लाइफ वॉज शैटर्ड बिकॉज जॉब नहीं थी बिजनेस ख़त्म हो गए थे एंड बींग इंटू मार्शल आर्टिस्ट मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई थी सो आई मीन फ्रॉम ऑल कॉर्नर वी वर शैटर्ड शैटर्ड कहने का मतलब है कि वी केम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम डेली इंडिया एंड देन महाराज के पास आने से पहले बड़े इफ एफिन बर्ड्स थे वो तो हमेशा ही सबके रहते हैं महाराज के आने के बाद ही सब चीज़ें बिल्कुल प्लेन पेपर हो जाती हैं लेकिन उससे पहले बड़े वहम रखे बड़ा कुछ करा जब चीज़ें ख़राब होती हैं ना तो फिर बहुत सारी ऑप्शन सामने दिखती हैं इसको भी फॉलो कर लो उसको भी कर लो इस टी में एस्ट्रॉलजर्स आ रहे हैं तो उसकी भी यू you नो know, सुन लें हम तो क्या मंडे और क्या फ्राइडे और क्या संडे कोई दिन ऐसा नहीं था जब हम बाहर मैं और मेरी आंटी हम कुछ ना कुछ उपाय कर रहे होते थे तो पैसे नहीं भी होते थे सेविंग्स अपने हमने यू नो यूज़ करनी शुरू कर दी कि नहीं एटलीस्ट ये करने से शायद हमारा टाइम ठीक हो जाए शायद ये करने से हमारा टाइम ठीक हो जाए बट एक्चुअली जब टाइम खराब होता है ना क्योंकि महाराज ने अपने पास बुलाना था हमें तब तो बाद में रियलाइज़ हुआ उससे पहले वो सारे हम कह रहे तुम पहले दिमाग लगा लो उसके बाद जब मैं करूँगा तो फिर वो एक सत्संग ही होगा तो महाराज ने हमारी लाइफ में अपने पास बुला के सत्संग ही कर दिया आज और फिर ऐसी हमारी जर्नी हमें महेश अंकल और बहुत सारी संगत ने बुलाया कि आप एक बार बड़े मंदिर आओ तो हमें सोचता था कि अब इतने जगह ट्राई कर लिया चलो एक बारी यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं तो दैट तो वॉज द फर्स्ट विजिट और उस दिन हमने घर से निकलते हुए ये सोचा था कि अगर आज यहाँ कुछ नहीं हुआ ना सो वी हैड आर डॉटर शी वॉज इन द किन्डर गार्डन स्कूल दैट टाइम और उसकी हमें फ़ीस निकालनी होती थी मंथली स्कूल फ़ीस जो इंडिया और दिल्ली से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा ये किन्डर गार्डन फ़ीस टू थाउजेंड टू हंड्रेड फाइव थाउजेंड इतनी पर मंथ थी वो भी निकालनी हमारे लिए बहुत टफ होती थी उस पीरियड में और जब हमने स्टेप रखा गुरु जी के मंदिर से हमने पहले डिसाइड करा कि आज आज नहीं आज होगा तो सब कुछ होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा कल अपनी लाइफ ख़त्म कर लेंगे अपने बच्चे के साथ तो ये सिचुएशन आ गई थी हमारी और आप बिलीव करेंगे संगत जी कि हमें इतना पता था कि बड़े मंदिर के फंक्शंस बहुत डिवाइन होते हैं हमने कभी देखा नहीं था हमने तो एक्चुअली अपने अपने रिलेटिव्स और अपने फैमिलीज़ की हमने गेट टुगेदर्स देखी हैं शादी फंक्शंस देखे हमें लगता था कि बहुत ही आ, बहुत ही यू नो हाई स्केल पे शादियाँ होती हैं बट महाराज के फंक्शंस तो डिवाइन होते हैं उसका कोई एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है कोई वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता और द मोमेंट वी स्टेप इन टू द मंदिर जो फ्रेगनेंस और जो पावर्स और जो और मंदिर ने हमें खींचा महाराज ने खींचा वो बयान नहीं हो सकता लाइफ ही चेंज हो गई फ्रॉम द डे वी स्टेपड इन और आज हम खड़े हैं जहाँ पे मतलब मैं अभी अंकल से वही सत्संग शेयर कर रहा था बाहर कि एक फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया मतलब हमारे पास खाने को रोटी नहीं होती थी आज चांदी की थाली में खाना खिला रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि लाइफ महाराज ने कैसे बदली तो बहुत छोटे छोटे सत्संग जो इस पूरे दस साल की जर्नी में महाराज ने दिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कहीं अगर भूल जुगे तो प्लीज़ महाराज भी माफ़ करना अभी मैं आ, महाराज के साथ ध्यान में बैठा हुआ था तो महाराज मुझे साक्षात दिखे यहाँ पे रेड चोले में तो मुझे बोले तो एनो एना नो दस मैं ऐ तो आप सोच सकते हैं कि महाराज साक्षात यहाँ हैं शिव जी है, शिवजी जी हैं और शिव जी जी में हमें कृष्ण जी भी दिखते हैं हमें गुरु नानक देव भी दिखते हैं तो जब हमने महाराज के पास जाना शुरू करा तो हमें ना बहुत भूख हो गई महाराज की क्योंकि हमारे सब दरवाजे तो खत्म हो चुके थे हमारे पास कुछ खोने को था ही नहीं तो हमें ये होता था कि यहीं से कुछ होगा लेकिन क्या होगा कब होगा ये नहीं पता था हमें और फ्रॉम द डे हमने रेगुलर जाना शुरू करा तो वहाँ पे संगत के मंदिर में दिन बन जाते हैं कि कोई थर्सडे आ रहा है कोई फ्राइडे आ रहा है कोई सैटरडे आ रहा है लेकिन हम लोग वीवर वीवर हंगर वी वर सो हंग्री दैट हमें जब भी मंदिर खुलता था तो सबसे पहले आगे हम ही खड़े होते थे दरवाज़ा खुला नहीं कि सबसे पहले आगे भाग जाओ दरबार के सामने ऐसे बैठ जाओ और अभी आज मौका मिला मुझे बिल्कुल महाराज के सामने बैठने का तो मुझे मंदिर का वो टाइम याद आ गया जब हम लोग दरवाज़ा छः बजे खुलते ही और हम मंदिर में अंदर भागते थे दरबार के सामने और एक एक लाइन करके आगे बढ़ते रहते थे और वो जो घबराहट होती थी ना मंदिर के बिल्कुल की दरबार की गद्दी के सामने बैठ गए महाराज हमें क्या देख रहे होंगे अगर महाराज ने हमें देख भी लिया तो तब भी कल्याण हो जाएगा तो वो घबराहट आज मुझे दोबारा हुई थी इसका मतलब कि आप सोच सकते हो कि महाराज साक्षात हैं यहाँ पे। और विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ आर जर्नी स्टार्टेड विद गुरु जी महाराज ने हमें बहुत बहुत दर्शन दिए बहुत ब्लेस करा हमारे वी अ जॉइंट फैमिली तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो फाइनली वी गॉट सेपरेटेड सब कुछ महाराज ने ठीक कर दिया लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं होते थे तो हम सोचते थे कि हमारे घर में हम गुरु का सत्संग कराएंगे तो हम गुरु को बुलाएंगे कहाँ पर कैसे बिठाएंगे संगत आएगी तो कहाँ बैठेगी क्या खाएगी हमारे पास तो पैसे भी नहीं है हमारा घर तो इतना बुरी कंडीशन में है तो मेरी आंटी को सपने में ड्रीम आता है महाराज का महाराज आए हैं और साथ में संगत आई है और जब महाराज की महाराज जब कहीं पे भी आते हैं तो अपने साथ संगत ही लाते हैं और इतना ब्लेस करते हैं और आंटी ने देखा कि ड्रीम में महाराज आए पीछे संगत ही संगत और संगत आई जा रही है और हमारा घर जो दो कमरे का घर था वो बड़ा हो ही जा रहा है आंटी कहती है मतलब ये हमारा घर तो लग रहा है लेकिन है नहीं लेकिन महाराज हमने सुना है हमने सत्संग सुने हैं पुरानी संगत के कि जब महाराज आते हैं तो ब्लेस कर देते हैं तो वो सपने में ही अपने ही आपसे बात कर रही है तो इतनी देर में वो महाराज आके बेडरूम से क्रॉस करके हमारे लिविंग रूम लिविंग रूम में आके बैठे और महाराज गुरु मेरी आंटी ने गुरुजी को बोला कि महाराज दीपक कहाँ है तो महाराज जवाब दे रहे हैं आंटी को कि वो गुलाब जामुन लेने गए तो आंटी कह रही है दीपक के पास इतने पैसे आ गए कि वो गुलाब जामुन लेने गए तो ये ड्रीम ख़त्म हो गया तो एनी वेज सो जैसे वो ड्रीम ख़त्म हुआ उसके दो महीने के अंदर ही हमारा घर महाराज ने ऐसे ब्लस किया पैसे कहाँ थे बैंक ज़ीरो था पैसे कहाँ से आते थे पता नहीं लेकिन घर पूरा रेनोवेट हो गया तो मतलब आज आज तक वो आई थिंक उसके बाद भी तीन बार रेनोवेशन हो चुकी है पैसे नहीं होते बैंक में लेकिन तब भी रेनोवेशन हो जाती है ये जस्ट विश्वास है ये बिलीफ है क्योंकि महाराज हमारे साथ हैं तो ऐसे ही जब मैं बता रहा हूँ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तो हम बहुत वहमों में रह गए थे जैसे कि मैंने बताया हम पंडितों और बाकी सब चीज़ों के एस्ट्रोलॉजर्स को हम जो टी वी लगाते थे वो रिंग पहन लेते थे जो करते थे वो यू you नो know, पैंडन लगा लेते थे कि हो सकता है ये पुखराज हमारा काम आ जाए लेकिन ये बैठे हैं इन्होंने सब ठीक कर दिया ऐसे ही हम मेरी आंटी बड़े मंदिर में हॉल में बैठी हुई थी शबद वानी चल रही थी और हम ध्यान में बैठे हुए थे तो आंटी मेरी ट्यूशन्स पढ़ाती थी घर पे उस टाइम पे तो वी यूज़ टू मीन शी यूज़ टू यू नो सेव दोज मनी जो हर आई थिंक एक लेडी और एक होम मेकर अपने घर पे कर है छोटे थोड़े पैसे बचा के सेविंग्स में रखती है तो ऐसे ही आ, उसने भी बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी और मैं कहता था कि उतार दे नहीं कह रही नहीं नहीं बिकॉज इसकी वजह से मेरी ट्यूशन चल रही है ऐसा बिलीव था उसका लेकिन वो बिलीव कैसे महाराज ने तोड़ा और क्या महाराज ने ब्लेस किया तो महाराज उनको मेरी आंटी को सत्संग में ieso, मंदिर हॉल में बताते हैं कह रहे हैं कि तू सरेंडर नहीं किया कह रहे हैं गुरु जी मैं सरेंडर किता कह रहे नहीं तू किता ही नहीं तो कह रहे नहीं गुरु जी मैं सरेंडर किया है देखो मैं रोज मंदिर आँदी हैं रोज़ थोड़ी पूजा करनी है रोज़ असी यू नो ब्लैसिंग लेने आते हैं कह रहे ना तू किता नहीं अगर किता है ना एर मुंदरियाँ उतार अब मंदिर में उसकी और गुरुजी की बात चल रही है अब वो कहे कि गुरु जी मैं मुंदरी मुंदरी से क्या होगा गुरु जी ये तो मैंने उस लिए पहनी है कि हो सकता है हमारी हेल्थ ठीक हो जाए हमारे फाइनेंसिल ठीक हो जाए कह रहे हैं गुरु वड्डा है या मुंद्रिया बड्डी तो हुआ क्या कि मेरी आंटी बहुत ही अपने आप से फाइट करते हुए मंदिर पे उसने रिंग उतारी यू वॉन्ट बिलीव संगत जी आई वॉज सिटिंग यू नो इन अ सेपरेट लाइन बट मुझे जैसे आंटी ने बताया कि जब वो रिंग उतारी तो ऐसे लगा पता नहीं ऐसे कोई बहुत ही भार उतर गया और महाराज खुश हो गए और वो जो उसका एक डिसबिलीव था कि उस रिंग की वजह से उसकी ट्यूशन चल रही है या उसका काम चल रहा है वो महाराज ने सब तोड़ दिया और अगले ही दिन से वो रिंग उतारने के बाद ऐसे गुरु ने तांते लगाए ऐसे गुरु ने ब्लेस किया जिसका कोई अंत नहीं था तो ऐसे छोटे छोटे महाराज ने हमें मेरेकल्स और हमें सॉरी ब्लेसिंग्स दिखा के हमें कैसे ब्लैस कराओ और आज जैसे अंकल ने बताया कि मैं कनाडा में से कनाडा से आया हूँ दो हम हमारी रूट्स इंडिया में ही हैं हमारे हमारे दिल हमारा सब कुछ महाराज के मंदिर में ही है लेकिन महाराज ने आज कनाडा सेटल कर दिया है और अभी दो हफ्ते पहले महाराज ने मतलब जहाँ पे दो हज़ार रुपये नहीं होते थे महाराज ने मिलियन डॉलर का घर दिया है ब्लेस करके तो ये सिर्फ शुक्राना है महाराज का और कुछ नहीं है हमारे पास हम इस लायक भी नहीं कि उनको कुछ दे पाएँ आज हम जो सेवा भी करते हैं वो सेवा भी हम सोचते हैं हम सेवा कर रहे हैं ना वो ले रहे हैं हम तो तो हम कर पा रहे हैं वो जिस दिन मना कर देंगे तो हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे और ऐसे कितने ही हमारे साथ सत्संग हुए अनुराग अंकल और आंटी को देख के हम लोग सेवा सीखते थे इनके मंदिर में होने से हमें डिसिप्लिन पता लगा कि डिसिप्लिन क्या होता है थैंक यू थैंक यू आंटी थैंक यू अंकल और ऐसे ही गुरु ने फर्स्ट टाइम मुझे यू का वीज़ा ब्लेस करा ऑफिस की तरफ से दे वॉज अ बिजनेस वीज़ा और मेरे को किसी ने बताया था कि मेरी यू एस एम्बेसी में किसी ने कंप्लेंट करी थी दैट यू यू विल नेवर गेट अ वीज़ा अच्छा ओके दैट्स फाइन नो बिग डील हमने जाना ही नहीं यू एस बैक ऑफ माइंड हम अपने आप को सेटिस्फाई करते थे बट महाराज को पता था कि सब कॉन्शियस माइंड में हम क्या चाहते हैं तो हुआ क्या कि सो आफ्टर यू नो आई गॉट अ जॉब तो जॉब भी महाराज ने ऐसे प्लेस करी आज उसी कंपनी में uh, मैं काम कर रहा हूँ उसी कंपनी की वजह से आज महाराज ने यहाँ बुलाया और और मेरे बॉसेस भी तीन हैं जिन्हें मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूँ और तो जब वो ऑफिस स्टार्ट हुआ तो आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉई आई वॉज बीन ब्लेस्ड विद सच अ ग्रेट पैकेज एंड टाइटल सब कुछ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बढ़कर महाराज ने दिया तो मेरे बॉस ने मुझे बोला दैट यू शुड कम टू यू एस फॉर अ विज़िट अच्छा ठीक है वैसे आई डोंट हैव अ वीज़ा कह रहे हैं ठीक है आई गिव यू ऑल द पेपर्स तो एनी वेज पेपर्स दिए प्रोसेस हुआ सारा और जब वीज़ा का नंबर आया यू एस एम्बेसी के लिए तो आई वॉज वेटिंग विद ऑल द पेपर्स एंड आई सडनली रियलाइज कि मेरी फाइल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर होता है एक इन्विटेशन लेटर ऑफिशियल वो ही मिसिंग है आई लेफ्ट इट एट माई होम एंड आई वॉज स्टैंडिंग विद माई डैड एंड गुरु जी मेरे हाथ में मैं महाराज को कह रहा हूँ महाराज अब आपने अब आपने करना है जो करना है क्योंकि आपके हमने सत्संग सुने हैं पुरानी संगत से कि जब आप वीज़ा लगाते हैं तो आप काउंसलर चेंज कर देते हैं आप काउंसलर की सीट बदल देते हैं और आप ऐसे वीज़ा लगा देते हैं तो आज वो मेरी बारी है मैं महाराज से बात कर रहा हूँ तो इतनी देर में मुझे टोकन मिलता है एट वन सेवन सेवनटीन तो मैं महाराज से हमारी शुरू से जब हम नए नए जुड़ते हैं ना तो हम कैलकुलेशन में लग जाते हैं कि सेवन नंबर लकी है सिक्स नंबर लकी है महाराज का सेवन नंबर है बट महाराज के नंबर सब कुछ महाराज का ही है तो मैं वहाँ भी कैलकुलेशन कर रहा था कि वन सेवन सेवन एट हो गया ये तो सेवन नहीं बना महाराज वीज़ा लगेगा ना <laughs> बट हाउ फुलिश आई वॉज़ आई एम सॉरी गुरु जी तो गुरु जी ने मुझे उसी वक्त मैसेज कह रहे हैं टेलीपैथी पे एक साथ मैं तेरे साथ हैं चल ही चल मैं और कॉन्फिडेंस में आ गया मैंने कहा बस डैडा अब रुको मैं अब लेके आता हूँ मैं तो वीज़ा काउंसलर वीज़ा एम्बेसी के जैसी आई स्टेपडेन वहाँ पे ना दिल्ली में तो बहुत सारे काउंटर्स स्टार्टिंग में लगे हुए हैं और उसके बाद अंदर काउंसलर सेक्शन है तो जब इट बीन इट बीन अ वाइल्ड जब मैं दोबारा वीज़ा लेने गया था तो आई डेंट नो कि इतना चेंज हो गया तो जब देखा तो वहाँ पे ना करीब 100 डेढ़ सौ ऑलरेडी लोग खड़े हैं वेटिंग में अपने नंबर के लिए और वहाँ पे ऊपर विंडोज़ पे ऊपर ना नंबर्स आ रहे हैं डिस्प्ले हो रहे हैं और द मोमेंट आई जस्ट आई थिंक एंटर्ड आफ्टर फ्यू सेकेंड सभी सभी डिस्प्लेस पे 17 नंबर शो हो गया वन सेवन सेवनटीन एंड आई वॉज जैप्ड आई एट वाव सो वॉट इज दिस बिकॉज एवरीबडी वॉज लाइक कि हमारा नंबर नहीं आया वी आर वेटिंग फॉर लाइक फॉर सो लॉन्ग वाई दिस नंबर सेवनटीन डिस्प्ले ऑन ऑल द ऑल द स्क्रीन सडनली एक लड़की बाहर वहाँ से निकल के आती है हु इज़ कैरिंग द पीस पीस सेवनटीन नंबर अरेज मैसेज आई एम कैरिंग दिस जैसे प्लीज आप आगे आ जाइए एंड आई वॉज कैरिंग माई गुरु जी विद मी एंड गुरु जी वॉज गिविंग अस अ वी 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 आई पी ट्रीटमेंट सबको चीरते हुए ऐसे क्रॉस करता हुआ आगे निकल गया जैसे कुछ है ही नहीं और मैं चाहूँ कि मतलब एवरीबडी वॉज लुकिंग एट मी विद सो डिफरेंट यू नो आई इज़ वाव हु इज़ दिस गाय बट वो तो महाराज थे तो जैसी काउंटर फिर मेरा नंबर आता है तो मेरे आगे किसी उन्होंने एक वीज़ा लगा दिया मेरे आगे जो जेंटलमैन थे तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो काउंसलर कब उठेगा क्योंकि मेरी नंबर बारी आने वाली है बट अगेन महाराज ने उनको चेंज नहीं करा एंड ही आस्क मी फ्यू क्वेश्चन ही गेव मी द वीज़ा और मैं वीज़ा मुझे कह रहा है दैर यो योर वीज़ा इज ग्रांटेड यू विल गेट इन अ वीक्स टाइम आई सेड एंड आई डेंट मैं उसकी सुन नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं महाराज के साथ कनेक्टेड था तो मैंने बोला आर यू श्योर दैट आई एम डन ही सेट येस वॉट एल्स यू वॉन्ट सो दिस इज़ हाउ महाराज ब्लेसेज अस और महाराज जो पुरानी संगत हैं जैसे अंकल आंटी और जो भी पुरानी संगत जिन्होंने महाराज के साथ टाइम स्पेंड कर पाए हैं वो उनको पता है कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में भी थे तो वहाँ पे जब बड़ा मंदिर कंस्ट्रक्शन में था तो क्या होता था कि गुरु uh, जी हमेशा दिन में एक या दो बार अपनी संगत के साथ वहाँ पर जाके देख के आया करते थे कि हाउस थिंग्स आर गोइंग ऑन तो ऐसे ही uh, एक दिन संगत का नंबर आया और एक संगत उसमें uh, किसी की थी जो पुरानी संगत है उन्होंने सत्संग सुनाया था तो गुरुजी ने वहाँ पे पहले बोल दिया कि चाय प्रसाद अरेंज करके रखो मेरे साथ संगत आती है तो हमेशा वहाँ पे सेवादार रेडी कर थे, थे तो और uh, तो अब मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ कि डिसिप्लिन क्या होता है हम एज अ ह्यूमन बींग हम सोचते हैं कि वी आर वेरी डिसिप्लिन वी लिसन टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस और हमें सेवादारों की बात सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए एंड हाउ सेवादार रिएक्ट्स तो so, एक छोटा सा आपको मैं सत्संग इसी इसी पे आ, बताता हूँ तो so, महाराज अपनी संगत के साथ वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी वहाँ पे बहुत सारे बंदर बहुत सारे यू नो you know, मोर पिकॉक्स वहाँ पे बहुत मंदिर में रहते थे और हमेशा रहते थे आज भी हैं उस वक्त बहुत होते थे क्योंकि वो यू नो खाली सा सारा एंड देन महाराज ने वो किसी को कोई कुछ कहते नहीं थे तो महाराज ने वहाँ पे टेबल अरेंज कराया संगत को चाय प्रसाद पिलाया और बंदरों के लिए वहाँ पे महाराज ने चने मंगवाए जब चने मंगवाए अब आप विजुलाइज़ करिए कि आप लोग महाराज के साथ उसी मंदिर हॉल में बैठे हैं और आपके सामने का ये नज़ारा चल रहा है महाराज ने जैसे ही चने रखे टेबल पे तो बंदरों ने लाइन बना ली दे वॉज़ फोर क्यू फोर लाइन्स ऑफ दोज ऑल यू नो मंकीज एंड लंगूर्स दे वर लाइक दे वॉज सिटिंग इन लाइक क्यूज जो कि हम फॉलो नहीं करते जस्ट सेफ आई आई अगेन सो जब महाराज ने एक को दिया तो आप बिलीव करेंगे कि एक एक बंदर उठ के आता था अपना प्रसाद लेता था चाह के बैठ जाता था मजा आ कोई उठ के दूसरा आता था तो दिस इज़ हाउ द डिसिप्लिन उनके उनको भी पता है कि ये साक्षात शिव के अवतार हैं साक्षात महाशिव हैं इनसे ऊपर कोई नहीं है सो दिस इज़ हाउ गुरु जी ब्लेज ऑल द नेचर नॉट इवन ह्यूमन बींग्स एंड आई थिंक ऑल एनिमल्स एंड स्पीशीज एज वेल सो अभी महाराज ने टू थाउजेंड में हमें बेटा ब्लेस करा तो जब बेटा ब्लेस कर रहे थे महाराज उससे पहले ही आ, मुझे ड्रीम आता है कि हम बड़े मंदिर हॉल में गद्दी के सामने आरती चल रही है आरती हो रही है और आ, मैं कहीं बीच में से निकल के आता हूँ और आ, मैं देखता हूँ कि मैं मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी आरती करनी है इतना मेरा बोलने का ही था कि वो किसी संगत ने मुझे बोला कि आप आरती करिए और जब मैं आरती कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ महाराज सामने बैठे हैं लेकिन महाराज कृष्ण जी के रूप में छोटे बाल स्वरूप में कन्वर्ट हो गए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो गुरु प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो क्योंकि यहाँ पर सब सेवादार डांटेंगे कि आपने गुरु को क्यों पकड़ा है बट दिस इज़ हाउ गुरु जी उसके बाद हमें महाराज ने बेटा ब्लेस करा और जब बेटा ब्लेस करा तो हम लोग अपने रिचुअल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यू you नो know, डिवोटेड रहते थे पहले कि हमें 40 दिन के पहले बच्चे को नहीं ले जाना बाहर नहीं करना पंडित ही आके नाम रखेगा और उस टाइम पे हमारा फेज़ आता था, था कि 2011 में महाराज ने हमें जोड़ा और 2012 में बेटा हुआ तो सब तब भी हमें सब हमारी फ़ैमिली मेम्बर्स हमें पूछा करते थे कि अब कैसे नाम रखोगे तुम अब तो तुम पंडितों के पास भी नहीं जाते अब कैसे रखोगे अब गुरु को बोलो तो बच्चे का नाम रखें ऐसे हमें बोला करते थे हमने कहा और हमें भी पूरा विश्वास था कि महाराज रखेंगे महाराज ही रखेंगे और क्या हुआ कि सात दिन का था और उस दिन शनिवार का दिन था और हमें शनिवार की हमें सेवा हमें महाराज ने ब्लेस करी थी और हम अपने फैमिली के साथ आ, मंदिर पहुँचे जैसे भी एक अंकल एक बच्चे छोटा बेबी को कॉर्ट में लेके आए ब्लेस करवाया तो मुझे वो याद आ गया इसलिए वो सत्संग सुना रहा हूँ मैं कि अब महाराज के सामने हमें चरणों में मैंने रखा महाराज आ, अपने बेटे को और मेरी बेटी और मेरे मेरे बीच में ना दो दिन पहले से थोड़ा डिस्कशन चल रहा था वो कह रही थी शिवाय रखेंगे आ, मैं कह रहा था शिवांश रखेंगे तो क्योंकि दोनों नाम महाराज के सत्संग में सुनते थे कि महाराज ऐसे बच्चे को ब्लेस करते हैं शिवाय रख दिया शिवांश रख दिया या कुछ भी ब्लेस कर दिया तो वो नाम शिव का ही था बार बार आ रहा था बट एनी हाउ तो हमने महाराज के चरणों में रखा खूब शुक्राना करा आंसू निकलते रहे वहाँ सेवादार भी कहते थे अंकल भी थे चलो 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 रोना नहीं मंदिर में बट वो रोना नहीं होता आई थिंक वो एक हमारी हमारा शुक्राना करने का एक वो है जिससे जो बिना बोले हम शुक्राना कर पाते हैं वो हमारे आंसू ही बता पाते हैं और उसके बाद रंगोली रंगोली पूरी भर गई थी बाहर मंदिर हॉल पूरा भर गया था शबद शबद चल रहे थे और एक मंदिर के कॉर्नर पे दरवाजे के वहाँ पे एक सीट खाली थी तो मुझे सेवादार अंकल ने बोला कि आप प्लीज़ यहाँ बैठ जाओ तो अपने बच्चे को बहुत छुपा के छोटा छोटे बच्चे को ऐसे छुपा के कि सेवादार डांटे ना और उस मंदिर में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन हैं जो कि हमें यहाँ भी फॉलो करनी चाहिए कि छोटे बच्चे को कभी मत रखो साथ मत लेके आओ शोर मच तो हम अब सोचो सात दिन का बच्चा क्या बोलेगा बट हम फिर भी बहुत छुपा के रखते थे और जब हम पहुँचे वहाँ पर तो मैं बैठ गया वहाँ पर मेरी आंटी मेरी डॉटर के साथ बाहर आ गई रंगोली रंगोली में तो मेरे साथ करीब ग्यारह बारह साल का एक लड़का था बाकी संगत बैठी हुई थी तो मैं शुक्राना करता रहा और शबद चलती रही तो मुझे वो लड़का मुझे याद है मुझे कहता है कि अंकल इज़ अ बॉय और गर्ल मैंने कहा इट्स अ बॉय वो कह रहे हैं जय गुरु जी मैं थैंक यू सो मच तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे कहते हैं अंकल इसका क्या नाम है महाराज ने मेरे मुँह से नाम निकलवाया इसका नाम शिवांश है कह रहे हैं wow, वाह अंकल मेरा नाम भी शिवांश है उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद कहते हैं अंकल आपका क्या नाम है मैंने मैंने कहा मेरा नाम दीपक है कह रहे मेरे डैड साथ बैठे इनका नाम भी दीपक है <laughs> तो अब ये ये कोई नहीं होते ये इंसिडेंट्स होते हैं जो महाराज बनाते हैं ये इंसिडेंट होते हैं जो सत्संग क्रिएट करते हैं जो आज हम आपके सामने कर पा रहे हैं इस लायक बनाते हैं कि आज आपके सामने हम महाराज का गुणगान करें महाराज का जितनी भी हम शुक्राना करें वो कम है तो ऐसे ही उसी दौरान हमें महाराज ने एक गाड़ी ब्लेस करी आप सोच सकते हैं जिसके बाद पैसे नहीं है उसको नई गाड़ी ब्लेस कर दें तो क्या मतलब क्या सोचता होगा वो और हमने सोचा था कि जिस दिन गाड़ी आएगी उसके फर्स्ट वीकेंड पे और सेकंड वीकेंड पे हम डुगरी जाएंगे अब डुगरी जाने का जब जा प्लान बनता है तो सब लोग होते हैं कि बस हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे तो हमेशा मैं आ, मेरी आंटी और आ, Uh, मेरी डॉटर और शायद एक और था कोई तो चार लोग थे जो रेडी हो चुके थे पेरेंट्स घर पे ही थे तो जब भी कोई मुझसे पूछता था कि डोगरी कितने लोग जा रहे हैं मैंने बोला पांच लोग जा रहे हैं अब मेरी आंटी मुझसे पूछती थी पाँच कैसे काउंट कर रहे हो आप चार तो हम ही हो गए मैंने कहा महाराज साथ जाएंगे ये कॉन्फिडेंस था मेरे को मेरे महाराज पर हम जिस दिन रात को हमने गाड़ी लेके जाना था स्टार्ट करना था डोगरी के लिए मैं बाहर गाड़ी साफ़ कर रहा था एक गाड़ी अचानक से रुकती है और हमारी सभी गाड़ियों में आपको पता है जय गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑल वे गुरु जी तो ये हमारा एक पेटेंट है जो कि हमारी ये शान दिखाता है कि वी आर गुरु जी और अभी भी अभी भी कनाडा में हम मैं ड्राइव करता हूं तो मैं कुछ एक गाड़ी देखता हूं तो मैं इमीजिएटली रूट चेंज कर लेता हूं मेरी आंटी कहती क्या हो गया मैंने कहा वो जा रही है गाड़ी उसको जय गुरु जी करके आना है मुझे ये हमारा पागलपन है लोग एक्चुअली हमें क्रेज़ी कहते हैं पागल कहते हैं बट ये संगत ही समझ सकती है ये प्यार है ये संगत ही समझ सकती है ये बाहर के लोग वाकई हमें कहते हैं और बट बाय द वे वो जो बाहर के लोग हैं आज वो भी छुप छुप के गुरुजी के मंदिर ही जा रहे हैं <laughs> तो ऐसे ही डुगरी में क्या हुँ? जब हम पहुंचे तो अंकल एक गाड़ी रुकी वहां पे रात को मुझे कहते हैं जय गुरुजी अंकल मैंने कहा जय गुरुजी। हम उनसे मंदिर में मिले थे कभी अंकल रात के टाइम पर गाड़ी साफ कर रहे हो सब ठीक है मैंने कहा जी सब ठीक है अंकल महाराज ने डुगरी बुलाया अभी जा रहे हैं कह रहे अच्छा एक मिनट रुको रुको अभी जाना मत एक घंटा रुको मैं अपने घर से महाराज का चोला बना हुआ है मेरे पास जो उनकी सिस्टर ने बोला था बनाने के लिए वो बना हुआ है मैं जा नहीं पाया आप ले जाओ तो गए पांच ही थे गुरुजी का चोला महाराज साथ साक्षात बैठ के गए थे गाड़ी में और मैंने बोला था जाएंगे भी पांच आएंगे भी पांच वो भी मेरी जिद थी तो क्या हुआ वहां पे हमने ब्लेसिंग्स ली शुक्राना करा और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमने वहाँ पे आंटी को बोला कि आंटी ये ऐसे गुरुजी का चोला आपके लिए भिजवाया है बना हुआ है तो उन्होंने लिया नहीं लिया इसलिए नहीं क्योंकि महाराज ने वापस हमारे साथ आना था पाँच पाँच ही जाना पाँच से चार नहीं हुए और आई डोंट नो शायद आप काफ़ी संगत के पास ऐसी कोई फोटोज़ होंगी महाराज कौनटेसा में बैठे हुए हैं और एक दरवाज़ा खुला हुआ है और एक लड़का ना उनके चरणों पर उनको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है उनके चरण को मतलब छूने की कोशिश कर रहे हैं बहुत पुरानी फोटो है महाराज की और ना उस वक्त पे हमारे पास मेरे मेरे लैपटॉप के स्क्रीन सेवर पे वो फ़ोटो हमेशा सेव रखता था मैं और मैं सोचता था कि काश मैं उस टाइम पे होता तो मैं गुरुजी के चरण तो छोड़ता ही ना छोड़ता ही ना चाहे सेवादार मुझे खींच के ले जाते बाहर लेकिन ऐसा नहीं था महाराज ने उस वक्त नहीं बुलाना था बाद में ब्लेस करना था और हम डुगरी पहुँचे हम सुबह सात बजे पहुँचे नौ बजे सत्संग शुरू होना था आप बिलीव करेंगे डुगरी जैसे महाराज के घर पे जब आप बिलीव करेंगे कि कोई ना मिले आधा घंटा वहाँ पे कोई नहीं मिला हमें या तो उन्होंने हमें देखा नहीं या हमें उन्हें देखा नहीं या महाराज ने देखने नहीं दिया किसी को और वो कॉन्टेसा महाराज की की सेवा हो रही थी और दरवाज़ा खुला हुआ था वही दरवाज़ा खुला हुआ था जहाँ जो मैं अपने आप को फील करता था कि शायद मैं इस जगह होता तो महाराज को छू पाता और वो दरवाज़ा खुला था महाराज की फ्रेगनेंस उस दिन भी और आज भी उतनी ही थी जितनी महाराज के फिजिकल फॉर्म में थी बस और कोई मांगने के लिए रह गया था हमारे पास क्या मांगोगे सब कुछ तो दे दिया और फ्रेगनेंस की बात आई तो आपको एक बताता हूँ कि महाराज की बॉडी की हर पार्ट पे एक अलग फ्रेगनेंस थी हर बॉडी के हर पार्ट पे अलग फ्रेगनेंस थी और संगत से संगत को ब्लेस करने के लिए संगत से सेवा लेने के लिए संगत को बोलते थे कि मेरे को मेरी मसाज करो मेरी हेड मसाज करो मेरे चरण दबाओ मेरे पैर दबाओ उनको जरूरत नहीं थी भगवान को जरूरत नहीं है हमारी हमें जरूरत है भगवान की लेकिन हमें हमारे कर्म काटने के लिए या हमारे हमें ब्लेस करने के लिए हमें क्लीन करने के लिए यू नो दे कॉल अस एंड दैट इज़ ऑफ वी ऑल हेयर और ऐसे ही महाराज ने Uh, महाराज क्या करते थे कि संगत को बोलते थे मेरे सर यू you नो know, मसाज करो और नॉर्मल मसाज भी नहीं होती थी बहुत ज़ोर ज़ोर से दबाया करते दबाया करते थे संगत के हाथ दर्द हो जाते थे उनके दो दो दिन तक उनके हाथ से महाराज की खुशबू नहीं जाती थी वो फ्रेगनेंस नहीं जाती थी तो कहते हैं जब हम हाथ धोते थे तो साबुन की अलग खुशबू आती थी और फ्रेगरेंस की अलग आती थी कई बार तो ऐसा हो जाता था कि महाराज अब नहीं चाहिए महाराज अब बस कर दो सिर दर्द हो जाता है क्योंकि इतनी फ्रेगनेंस थी महाराज कई बार ऐसे उठ के संगत के पास जाके अचानक से बोलते थे कि आ, मेरी बॉडी को फ्रेगनेंस करो और जब महाराज की नेवल पे सर्च आ, कोई फ्रेगनेंस करता था तो वो फ्रेगनेंस तो अनंत थी अनंत तो मैं वो फील कर सकता हूँ चाहे मैं उस टाइम पे वहाँ नहीं था महाराज के साथ लेकिन मैं आज भी फील कर सकता हूँ कि वो फ्रेगनेंस क्या होती है ऐसे ही जैसे मैंने आपको सत्संग शेयर करा कि जिस दिन हमने बेटे को ब्लेस करने गए सैटरडे का दिन था उस दिन सैटरडे को इतनी गर्मी थी इतनी गर्मी थी मंदिर के सारे ए चल रहे थे लेकिन वो गर्मी नहीं हटी अचानक से क्या हुआ कि महाराज का यही स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ था और इस स्वरूप से अचानक से अमृत वर्षा शुरू हो गई इतनी अमृत वर्षा इतनी फ्रेगनेंस क्योंकि महाराज उस वक्त वहाँ मौजूद थे ध्यान में थे और ब्लेस कर रहे थे यही स्वरूप महाराज का लगा हुआ था तो, तो ये अभी अभी वहाँ बैठा मैं यही सोच रहा था कि महाराज यही आप अभी भी वैसे ही मतलब सुंदर और स्मार्ट हैंडसम हो और हम ना मंदिर हॉल में महाराज के इस स्वरूप को ना एक तरफ ऐसे बड़ा फ्रेम लगा हुआ था एक तरफ राइट और लेफ्ट साइड पे आपने जो गए होंगे देखा है पता उन्हें तो महाराज के माथे पे ना मैं महाराज को ही देखता रहता था मेरी आंटी मेरे बच्चे मुझे आके बोला करते थे डैडी बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ लंगर प्रसाद कर लो मैंने कोशिश ये करते थे कि जब लंगर की बारी आती थी ना लंगर प्रसाद की बारी आती थी तो हम लाइन से पीछे उठ के चले जाते थे कि सेकेंड लाइन में आ जाए अभी ना बुलाओ बाहर फिर थर्ड लाइन में चले जाओ अभी ना बुलाओ बाहर तो महाराज के अगर आप ध्यान में देखेंगे तो महाराज के माथे पे कभी ओम बन जाता है कभी गणेश जी बन जाएंगे और ये हर एक का अपना कनेक्शन है हर एक का अपना है मेरे को महाराज ने वैसे ब्लेस किया तो उसी दौरान हम संगत से सुना करते थे कि महाराज संगत को फिजिकल फॉर्म में जब थे तो कॉल करा करते थे महाराज के पास किसी का नंबर नहीं होते थे लेकिन सबके नंबर होते थे लिखते नहीं थे महाराज लेकिन सबके नंबर याद थे क्योंकि वो तो साक्षात हैं तो मैं सोचा करता था कि गुरुजी कभी आपने मुझे कॉल करोगे तो मैं आपको कैसे क्या मैं क्या बोलूँगा क्या आपको पहला अक्षर क्या बोलूँगा पहला वर्ड क्या बोलूँगा जय गुरु जी बोलूँगा प्रणाम करूँगा क्या करूँगा तो यही सोचा करता था जैसे मैंने बताया हम पागल तो हैं ही महाराज के लिए क्रेजी तो हैं ही तो क्या हुआ कि एक दिन ड्रीम आया महाराज का और एक अंकल ने उस फ़ोन हमारे घर पे लैंडलाइन ड्रीम में लैंडलाइन दिखाया कि लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ है और मैंने फ़ोन उठाया सामने से आवाज़ आती है ये आपसे बात करना चाहते हैं बस इतना बोल के उन्होंने फ़ोन आगे हैंड ओवर कर दिया अगली आवाज़ महाराज की थी उन्होंने सिर्फ इतना बोला गुरु जी एंड आई वॉज लाइक आई एम कम्प्लीट सो ऐसे महाराज ब्लेस करते हैं अभी कैनेडा महाराज ने मूव करा कहीं दूर और दूर तक हमें हमारी शायद वो वो लेवल वो एजुकेशन या वो एज फैक्टर भी होता है आज भी लोग हमसे पूछते हैं तुम इस एज में वहाँ क्या करने आए हो मैंने कहा पता नहीं महाराज लेके आए हैं बच्चों के लिए लेके आए हैं तो एनी जब पी प्रोसेस हम हमारा वीर वीज़ा लगा और पी प्रोसेस जब आने के बाद हम बहुत वरी थे कि मेरी एज इतनी हो गई आंटी की इतनी हो गई बच्चे छोटे हैं हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए और अब हम पीआर प्रोसेस के लिए क्या करेंगे किसी लॉयर से बात करो तो कह रहा था कि हम एक्स अमाउंट लेंगे कोई वाई लेगा कोई वॉट एवर और हमारे पास तो महाराज के अलावा सच्ची बताऊं बताऊँ बैंक में आज भी ज़ीरो है लेकिन तब भी घर मिलियन डॉलर का दिया है अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितने रिच हैं सारे हम लोग रिच हैं हमारे महाराज की वजह से हमें जो इज्जत मिलती है पूरी दुनिया में वन ऑफ द कहते हैं ना कि वो आउट ऑफ द आउट ऑफ द क्राउड हम लोग स्टैंड करते हैं बिकॉज ऑफ गुरुजी। कहीं भी चले जाओ इतनी इज़्ज़त इतना प्यार और कहीं नहीं मिलेगा आपको आपने अपने फैमिलीज़ में भी देखा होगा वो सब मुझे मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है बहुत आर्टिफिशियल है और जो संगत जो प्यार करती है ना जो संगत हमारे लिए अरदास करती है ना वो कोई नहीं कर सकता आज मेरे को खुशी होती है ना हमें प्यार मिली हमें महाराज ने घर ब्लेस किया सबसे पहला कॉल पता है किसको जाता है अपनी संगत को अपने पेरेंट्स को आप अपनी बुआ मासी चाची किसी को कॉल नहीं करोगे क्योंकि उन्हें को तो पता चल ही जाएगा जब आप फेसबुक पे अपलोड करोगे लेकिन संगत को जब बताओगे ना उनका पहले वर्ड पता क्या होगा जय गुरु जी दैस गुरु जी ब्लेसिंग यू आर सो ब्लेस्ड सो ये महाराज ये उनकी अरदास है जो आपको आके और ब्लेस करती है सो so, जब पी प्रोसेस की बात चल रही थी तो पी प्रोसेस में महाराज ने हमारे पॉइंट्स नहीं बन रहे थे वी आर सो वर्ड कि वी आर सो वर्ड कि अब पी प्रोसेस कैसे कम्प्लीट होगा बच्चे भी आ गए सो so, महाराज ने उस दौरान कोविड के बीच में एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दी कि जहाँ तेरे लिए और भी दस लोग पचास सौ लोगों को कल्याण करा तो पीआर पीआर भी हो गया अब पीआर हो गया तो सोचा चलो घर अब घर लेते हैं अब घर लेने की तो बात तब की थी जब बैंक में पैसे हो अब दो साल में आप कितना आप अर्न कर लोगे कितनी कितना सेविंग कर लोगे बट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गुरु और गुरु महाराज ने ऐसी संगत मिलाई वहाँ पर अनुराग संजीव मैनी अंकल उनकी आंटी ने हमारे लिए अरदास करी तो मैं अभी आपको वही बता रहा था जो संगत आपके लिए अरदास करेगी ना वो महाराज को डायरेक्ट लगती है तो उन्होंने हमारे लिए अरदास करी उन्होंने बहुत हेल्प करी इस प्रोसेस में एंड फाइनली वी गॉट आर हाउस वी गॉट गुरु जीज हाउस एंड शुक्राना ही है और कुछ नहीं है बस हमारे लिए तो बस थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू गुरु जी महाराज जय गुरु जी जय गुरु जी अंकल अंकल ने तो सबके लिए अरदास लगा दी सारे गुरु परिवार को घर मिले उलाद मिले शिवांश मिले या शिवानी मिले वो सब गुरु जी के ऊपर है लेकिन मालिक की मेहर है अंकल के मैसेजेस क्लियर थे थैंक यू सो मच अंकल uh, गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना ऐसी संगत दरबार में हमेशा भेजो कि सत्संग मिले